हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लनवृदे तिमन। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है। यहाँ पर कोई इंटरव्यू या फिर कोई एग्जाम नहीं था, केवल क्वालिफिकेशन के बेस पर आप लोगों की मेरिट लिस्ट तैयार होनी थी। अब जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बारी है, तो अलग अलग राज्यों में जहाँ भी आप लोगों ने फॉर्म फिल किया, मेरे द्वारा आप लोगों को बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड करवाए गए। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जहाँ से भी वैकेंसी आई है, जिस भी जिले से, जिस भी राज्य से, तो आगे भी जो है मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती रहूंगी। यदि आप वैकेंसी जॉब सर्च कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर लें, तभी आप लोगों को मेरे जितने भी नए वीडियो बनते हैं आप लोगों तक समय पर पहुंच सकेंगे। तो यहाँ पर दो तरीके मैंने आप लोगों को बताए थे। पहला तरीका तो ये था कि आप मेन वेबसाइट पर जो है बिल्कुल देखते रहें कि मेरिट लिस्ट जो है वो कब आएगी। ठीक है, मैंने आप लोगों को लिंक सभी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है, ताकि आप लोग डायरेक्ट उस पर जाकर चेक कर सकें कि मेरिट लिस्ट जो है वो आ चुकी है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ जिन भी राज्यों से मेरिट लिस्ट आई है, कैसे जो है वो आप देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ बता दूं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। सबसे पहले आंध्र प्रदेश के लिए जिन स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया है, जिले वाइज जो है मेरिट लिस्ट आ चुकी है। यहाँ पर एक तरीका तो ये है कि मैसेज बोर्ड जो है इस पर ही आप लोगों को रनिंग में दिखाई दे रहा है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2023 कॉन्ट्रैक्ट रिक्रूटमेंट मेरिट लिस्ट रिलीज, इस पर आप जा सकते हैं। नहीं तो आप नीचे जो है वो आ सकते हैं, और नीचे कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टर फॉर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जाना होगा। यहां पर जिले दिए हुए हैं, सभी जिलों की जैसे ही वैकेंसी निकाली गई तो सभी वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं अलग अलग जिलों के, और आगे भी वैकेंसी ऐसे ही आती रहेगी कस्तूरबा विद्यालय से, तो वो भी आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। यहां पर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल में बता देती हूं। जैसे चित्तूर से आप लोगों ने फॉर्म फिल किया, क्लिक हियर पर आप लोगों को क्लिक करना है और आपके सामने जो है मेरिट लिस्ट आ जाएगी। तो ये देखिए एक लंबी लिस्ट आपको नजर आ रही है। तो यहां पर आप अपना जो है नाम देखेंगे, बहुत लंबी लिस्ट है, 58 पेजेस की ये पीडीएफ फाइल है। ठीक है, ऐसे ही आप अपने जिले वाइज जो है देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर इतने सारे स्टूडेंट, 2,564 स्टूडेंट, ठीक है, एक ही जिले से इतने सारे स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया था। बाकी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होंगे तो ये भी आप लोगों को इसी साइट पर चेक करना होगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दूसरे जिले में इस तरीके से लिस्ट जारी की गई है। उसके बाद जो है देखिए गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, यहाँ भी कई जिलों से वैकेंसी आई, तो यहां पर कहां मिलेगा आप लोगों को मेरिट लिस्ट। यहां लेटेस्ट न्यूज में आपको सबसे ऊपर न्यू दिखाई दे रहा है, क्लिक हियर फॉर जर्नल मेरिट लिस्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ KGBV कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। तो बस आप लोगों को इसको देखना है, इसको ओपन करेंगे आप लोग तो इस तरीके का जो है पेज ओपन हो जाएगा। यहां पर स्कूल टाइप जो है यहां आप सिलेक्ट कर लेंगे, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV, इस पर आप लोग पोस्ट अप्लाइड डिस्ट्रिक्ट, तो आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है किस डिस्ट्रिक्ट से आपने फॉर्म फिल किया है, ठीक है, तेलंगाना राज्य में, तो आप जो है उसी डिस्ट्रिक्ट पर जाएंगे। मान लीजिए आपने जो है यहाँ पर नालगोंडा, इससे तो आप लोग इसे कर लेंगे। पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है आप लोगों ने तो उसे आप भर लेंगे। ठीक है, तो जैसे बॉटनी मैंने लिख दिया और आप लोगों को सबमिट कर देना है, तो आप लोगों के सामने जितने भी बॉटनी के स्टूडेंट हैं पूरी लिस्ट जो है वो आप लोगों के सामने नजर आ जाएगी। नेक्स्ट, जिन स्टूडेंट ने बिहार राज्य से फॉर्म फिल किया है अलग अलग जिलों से, तो नीचे आएंगे आप, यहां पर आपको दिख ही रहा है KGBV कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय नियोजन के प्रथम चरण में रिक्त रह गए पदों के विरुद्ध जिलों के द्वितीय काउंसलिंग सारणी। तो यहाँ पर पहली काउंसलिंग हो गई है, दूसरी काउंसलिंग की जो टाइम टेबल है वो आपको अलग अलग जिलों का सबका नजर आएगा। ठीक है, तो आपने कहाँ से जो है फॉर्म फिल किया है, किस जिले से फॉर्म फिल किया है, तो इसी पर आप जाएंगे। जैसे गोपालगंज, इससे फॉर्म फिल किया है तो इसके सामने व्यू आपको दिखाई दे रहा है, तो व्यू पर आप लोगों को क्लिक करना है, पेज जो है ओपन हो जाएगा, कार्यालय आदेश, तो यहाँ पर जो है आप लोगों को लिस्ट नजर आ जाएगी। तो इन्होंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो समय दिया था तो 5 सितंबर 2023 दिया था, और ये बिल्कुल यहाँ पर बताया गया है, ये जो है एड्रेस है, यहाँ पर आप लोगों को जो है अपनी 11 बजे तक जितने भी डॉक्यूमेंट हैं इनके साथ में जो है मूल प्रमाण पत्र की एक सेट छाया प्रति दो फोटो के साथ जो है उपस्थित होना था। ठीक है, तो ऐसे ही जो है
बाकी जो है डिस्ट्रिक्ट की आप लोग यहाँ पर देख लेंगे। और यहाँ पर जो खाली पद रह गए हैं प्रथम चरण में, कुछ स्टूडेंट ऐसे जो कि पहुंचे ही नहीं तो खाली पद रह गए हैं, तो इनके लिए जो है एक दोबारा से टाइम टेबल जो है वो तैयार किया जा रहा है। उसके बाद जिन भी स्टूडेंट ने उत्तर प्रदेश से जो है फॉर्म फिल किया है, जैसे जिला प्रयागराज से फॉर्म फिल किया है या वाराणसी से फॉर्म फिल किया है, तो आप देखिएगा कि वीडियो के नीचे, जिस भी वीडियो को देखकर आप लोगों ने फॉर्म फिल किया है, तो उस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक नजर आएगा। जैसे कि मैंने वाराणसी के लिए वीडियो बनाया और उसका लिंक मैंने आप लोगों को वीडियो के नीचे दिया, varanasi.nic.in। तो आप लोग जो है गूगल पर सर्च कर ले, या फिर डायरेक्ट जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है उस पर डायरेक्ट चले जाएं, तो आपके सामने ये पेज ही ओपन होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को देखना है व्हाट्स न्यू, ठीक है, यहाँ पर नजर आ जाएगा। बट अभी जो है इन्होंने मेरिट लिस्ट जारी नहीं की है तो यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। इसी तरीके से जो है यहाँ पर प्रयागराज के लिए आप लोगों ने फॉर्म फिल किया है, तो यहाँ पर भी व्हाट्स न्यू में ही आप लोगों के सामने जो है आएगा नोटिस, तो आप लोगों को उसको देखते रहना है, ठीक है। इसी तरीके से राजस्थान में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की जो वैकेंसी निकाली गई थी, तो जून में वैकेंसी आई थी, मैंने आप लोगों को बिल्कुल बताया था, बच्चों ने फॉर्म भी फिल किए। यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स का इंटरव्यू हुआ, ठीक है, एग्जाम तो नहीं होता है, यहाँ पर इंटरव्यू हुआ, क्योंकि संख्या काफी अधिक हो गई थी इसलिए इंटरव्यू लिया गया। तो यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट तैयार की गई, तो वो कब आई, तो जुलाई 5 जुलाई को जो नोटिस जारी हुआ, इसको जो है मैं आप लोगों को एक बार ओपन करके दिखा देती हूँ। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, तो यहाँ आप लोगों को विज्ञप्ति आई थी और 3/7/2023 से 9/7/9 जुलाई 2023 तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर ऑनलाइन साक्षात्कार, यहाँ पर इंटरव्यू हुए थे। तो यहाँ पर डेट टाइम वगैरह सब कुछ दे दिया गया था, और इसकी जो मेन वेबसाइट थी शाला दर्पण पोर्टल, यहाँ पर मेरिट लिस्ट आई थी, ठीक है, क्लास 6 से 8 शिक्षिकाओं के रिक्त पद। तो यहाँ पर सभी जिलों से, अजमेर, बाड़मेर, भरतपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, ये पूरी लंबी लिस्ट है, ठीक है। तो ये 17 पेजेस की जो पीडीएफ फाइल थी, तो जिनका भी सिलेक्शन हुआ उनको पता लगा। आई होप आपके सामने जो समस्या थी कि मेरिट लिस्ट जो है कब जारी हो रही है, हमें कैसे पता लगेगा, सभी राज्यों के स्टूडेंट के माइंड में ये चीज़ जो है बिल्कुल क्लियर हुई होगी। तो ऐसे ही जो है वो आप लोग अपनी लिस्ट जो है वो देखते रहिएगा, बिल्कुल आप लोगों को होम पेज पर ही जो है नज़र आएगा, थोड़ा सा आप लोगों को देखना ही पड़ेगा, ठीक है। बाकी जैसे ही जारी होती है वैसे ही मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगी, जैसे तेलंगाना से जारी हो चुका है, एमपी से जारी हो चुका है, मध्य प्रदेश से जारी हो चुका है और बिहार से भी जारी हो चुका है। ऐसे ही जो है आगे वैकेंसी आती रहेगी, तो आप लोग ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर लें, जैसे ही वैकेंसी रिलीज होती है जिस भी राज्य के जिस भी जिले से, कस्तूरबा विद्यालय से या फिर आदर्श विद्यालय से, तो वो सभी आप लोगों को चैनल पर जरूर मिलेगी। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही न्यू वैकेंसी के साथ, आप लोगों की जॉब जो है वो लगे, यही जो है मेरा मेन उद्देश्य है। थैंक यू।